बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं कुछ नया। आज हम सीखने वाले हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। क्या सीखने वाले हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। हाँ, राइट। तो बच्चों, जैसे कोलू ने बताया, आज हम सीखने वाले हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये हम समझते हैं। Describing words are used to describe or provide additional information about a thing. तो describing words कौन से words कहलाते हैं जो किसी चीज को describe करते हैं या हमें additional information देते हैं। किसी को describe करना मतलब क्या होता है? उसका वर्णन करना। Such words are used to describe a person, place, event, situation, etc. मतलब कोई भी इंसान को, कोई जगह को, कोई होने वाला इवेंट है, कोई सिचुएशन, उसको डिस्क्राइब करता है। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। ओके, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स मींस एडजेक्टिव्स। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, लेट्स नो, लेट्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेट अस, ये सब मिलके सीखते हैं। ओके, अ मैंगो इज येलो इन कलर, है ना। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड है डिस्क्राइबिंग वर्ड जो इस मैंगो का वर्णन कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है? दैट इज येलो, है ना, येलो कलर का है। इट इज वेरी स्वीट इन टेस्ट। यहाँ पे कौन सा वर्ड उसको डिस्क्राइब कर रहा है, उसका वर्णन कर रहा है? स्वीट। मैंगो जो है वो स्वीट है ना, इन टेस्ट। सो स्वीट इज अगेन डिस्क्राइबिंग वर्ड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पिक्चर। यहाँ पे एक रोज दिया गया है। ये कैसा रोज है, जरा ध्यान से सब लोग देखो तो। इट्स अ ब्यूटीफुल रोज, है ना, और इसका कलर क्या है? रेड कलर। तो कैसे हम इसे डिस्क्राइब करेंगे, इसका वर्णन कैसे करेंगे? अ रोज इज रेड। इस सेंटेंस में रेड जो है वो डिस्क्राइबिंग वर्ड है, राइट, क्योंकि वो इसके बारे में हमें बता रहा है, इसके कलर के बारे में। इट इज वेरी ब्यूटिफुल, है ना, ये बहुत ही ब्यूटिफुल है। तो यहाँ पे कौन सा है डिस्क्राइबिंग वर्ड, बताओ तो कोलू, बताओ। टीचर ब्यूटिफुल, टीचर ब्यूटिफुल, राइट कोलू, आपने बिल्कुल सही बोला। ब्यूटिफुल इज डिस्क्राइबिंग वर्ड इन दिस सेंटेंस। ओके, आई होप आपको भी समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या दिया गया है, यहाँ पे कुछ पेंसिल्स दिए गए हैं। लेट्स काउंट हाउ मेनी पेंसिल्स आर दीज। 1, 2, 3 and 4। सो देर आर टोटल 4 पेंसिल्स। दीज आर 4 पेंसिल्स। यहाँ पे इस सेंटेंस में डिस्क्राइबिंग वर्ड कौन सा हुआ? 4। ओके, क्योंकि हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है इसके बारे में, तो यहाँ पे 4 है डिस्क्राइबिंग वर्ड। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। We use sharp pencils to write. तो अभी वो क्या बोल रहे हैं कि हम लोग लिखने के लिए sharp pencil use करते हैं। तो ये sentence में describing word कौन सा हुआ, बताओ तो कोलू। हाँ, sharp ही होना चाहिए। Right, sharp is describing word in this sentence. Very good. Next क्या है, देखो यहाँ पे एक प्यारा सा dog बैठा है। A dog is a clever and loyal animal. So यहाँ पे ये सेंटेंस बता रहा है जनरली डॉग्स कैसे होते हैं उसके बारे में। तो क्या बता रहा है? A dog is a clever and loyal animal. Right, आप सबने right guess किया। यहाँ पे clever and loyal, ये दोनों describing words हैं। Okay, clever मतलब चतुर, मराठी में होशियार। Loyal, वफादार, मराठी में निष्ठावंत। यहाँ पे क्या करना है, ए मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे जितने वर्ड्स दिए गए हैं वो पढ़कर आपको इस सेक्शन के वर्ड्स को मैच करना है लाइन बना के। ओके, अब ये वीडियो आप 2 मिनट के लिए पॉज कर देना और ये कंप्लीट करने के बाद आंसर्स चेक कर लेना। ओके, एंटर देन, वी हैव आंसर्स हियर, लेट्स चेक द आंसर्स चिल्ड्रन। शार्प पेंसिल, क्लेवर डॉग, स्वीट मैंगो, रेड रोज। आई होप आपको सब आंसर्स राइट मिले बच्चों। अब यहाँ पे क्या है, बी
यूजिंग द गिवन पिक्चर्स राइट द करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, तो आपको क्या करना है, ये फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है, यहाँ से राइट आंसर्स ढूंढ कर। ठीक है, ये वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज कर देना, फिर मैं आपको दूंगी राइट आंसर्स। ओके बच्चा, आंसर चेक कर लो। दिस इज अ बिग बॉल। एन एप्पल इज रेड इन कलर। He is an old man. These are 8 bananas. This is a green parrot. See, fill in the blanks with correct describing words. Now again, आपको describing words लिखना है ये blanks में, okay? Again, you can pause it for 2 minutes and then I will give you the right answers. Answers अलग अलग हो सकते हैं, but जो word होगा वो describing word होना चाहिए, okay? तो बच्चों यहाँ पे sample answers ready है आपके लिए, check कर लो। Green vegetables and fruits are good for health. Okay? There are silver stars in the sky. Ants are very small. यहाँ पे tiny भी चलेगा। आपके हिसाब से आप describing words लिख सकते हो, पर उसके spellings right होनी चाहिए, okay? I have a blue pen. It can be any color, okay? अब हम लोग reading कर लेते हैं। You can say this. और बोलो, okay? बोलो, ready? Children ready? Yellow. Yellow, sweet, sweet, red, red, beautiful, beautiful, four, four, sharp, sharp, clever, clever, loyal, loyal, very गुड कोलू एंड वेरी गुड चिल्ड्रन। आप सबने बहुत अच्छा किया, और जिन लोगों ने इस बार नहीं बोला है वो जरूर बोलेंगे नेक्स्ट टाइम, ओके? और इसी के साथ हमारी आज की क्लास खत्म होती है। अगर आज की क्लास अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। इससे आपको मेरे सारे अपकमिंग वीडियोस इजीली मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।